कि कितना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी सब्ज़ियाँ और टाइटल आप देख रहे हैं। और ये हमारे घर में एक बेरी है, बहुत ही प्यारी है। इसको बेर लगते हैं, वो सेब की तरह हो, सेब नहीं होते इस तरह के बेर हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। इसमें ना इसकी गिटक जो है उसमें नहीं होती, सिर्फ गिरी है। इसका सख्त खोल जो बेरी का होता है अंदर में, वो नहीं है। वो बेर लाजवाब मीठे हैं, बहुत अच्छे, बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा, जिनके दांत नहीं वो भी खा सकते हैं, नरम है और मीठे हैं। इनका रंग बिल्कुल ऐसे इस तरह है जिस तरह गोल्डन सेब होता है, इस तरह है। ये बहुत ही खूबसूरत बेर लग रहे हैं, ऐसे इतने लड़ियों की शक्ल में लगे हुए हैं, इतने गुच्छे के गुच्छे लगे हैं, बहुत प्यारे बेर हैं माशाल्लाह से। दिल करता है इनको खाए ना, इनको देखते रहें, इस तरह इतने प्यारे लगते हैं ये माशाल्लाह। बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। और ये भी गोभी थी, बंद गोभी, ये लेट लगाई थी। ये भी पर्पल कलर का है, इसका कलर भी पर्पल ही होगा। अभी ये तैयार होगी इंशाल्लाह, इसका कलर भी पर्पल होगा, ये आपको दिखाएंगे, बहुत प्यारी ये भी बनी। आगे आ जाते हैं, ये टमाटर के कुछ पौधे लगे हुए छोटे फ्लावरिंग पे, आगे लेट से लगाए। ये आ गया सलाद पत्ता, ये सलाद पत्ता है, बहुत खूबसूरत। इसके कलर की वजह से ना इसको कोई सुंडी तेला कोई चीज़ नहीं आती, ये माशाल्लाह से फ्रेश रहता है। एक तो खूबसूरती भी है और खाने में भी अच्छा है, खा भी सकते हैं। और माशाल्लाह से हमारे प्याज जो हैं वो भी तकरीबन तैयार होने के करीब हैं, कच्चे। इसका सैज जो है वो बन रहा है, माशाल्लाह से तैयार है। बाहर का मौसम शुरू हो चुका है, हर तरफ खूबसूरती। ये हमने ब्रोकली लगाई थी, ब्रोकली यहाँ पे सिर्फ प्रैक्सिट के लिए कि होती है कि नहीं। ये माशाल्लाह इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है और इतना अच्छा साइज़ है इसका, जायका भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारी है। ये सारी हमने रख ली, इसलिए हार्वेस्ट नहीं की कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए इसका ना सीड तैयार करेंगे। हर पौधा अपनी क्वालिटी, आप माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारे फ्लावर, बहुत अच्छा साइज डेवलप कर गई, बहुत अच्छा साइज बन गया। और ये हमने हाइब्रिड धनिया था जो मंगवाया था लाहौर से, स्काई सीड्स, ये तकरीबन 2 फुट के करीब हो चुका है, इसका भी सीड रखा है, ये सारा सीड है। और ये गोभी आ गई, ये भी हाइब्रिड थी, लेकिन पाकिस्तान में असल में हाइब्रिड होती नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बस यही हाइब्रिड बीज सीड जो है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन ये इनकी क्वालिटी अच्छी होती है जो हाइब्रिड यहाँ पे मिलता है। और इनका भी सीड बनाएंगे, इसको रख दिया, इसका रंग चेंज हो रहा है अब, ये क्योंकि ओवर हो गया है, 1 किलो के 1 kg के ऊपर जो होता है ये उसका ओवर वेट हो जाता है, फिर इसका साइज सही नहीं बनता। ठीक हो गया, और आगे आपको दिखाते हैं। ये बंद गोभी थी, वो भी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, ये तो रमज़ान शरीफ में काम आएगी, सलाद के तौर पे आप भी खाते हैं। लेकिन ये इनमें से भी सीड के लिए कुछ पौधे रखेंगे। और एक ये यूनिक चीज़ है, ये भी, ये है मूली, ये मूली शलजम की तरह की मूली है। इसका नीचे से एक आध हार्वेस्ट करके आप दो दिखाते हैं ये कैसी होती है। एक मूली जो है हमने हार्वेस्ट कर ली, इसका रंग इस तरह है, ये है शलजम की तरह, लेकिन है मूली का जायका, मूली का है शलजम की तरह, ऊपर से पत्ते जो है वो भी मूली की तरह है। अब इसको काट के देखते हैं ये इसका रंग अंदर से कैसा है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए, अगर सलाद के तौर पर रखा जाए काट के, कितना प्यारा कलर, पर्पल कलर है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा सलाद के लिए। इसका जायका भी बहुत अच्छा है, सिर्फ सेम मूली की तरह, ऊपर से ग्रीनिश है,
अंदर से भी अल्लाह की खूबी, किसने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी अल्लाह ताला ने। पुदीना रहते के लिए लेके जाएंगे, चीज दिखाते हैं और इसका आपने साइज देखना है। यह है शलजम, बिग शलजम, इतना बड़ा शलजम है। मेथी माशाल्लाह इतनी बड़ी हो चुकी थी, बड़ी 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 मेथी होगी। और इसको हमने दो तीन दफ़ा हार्वेस्ट कर लिया, इसको सुखा भी लिया है। जब इस स्टेज पे इसको काट के सुखाएंगे तो इसका जो खुशबू है वो नहीं जाती, खुशबू बहुत प्यारी रहती है। ये माशाल्लाह से बेड के ऊपर गाजरें, माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका कर रहा है ये। ये देखें साइज तकरीबन नॉर्मल है और लेंथ देखें कितनी लंबी है। माशाल्लाह से इसका साइज देखें गाजर का, फाइनली हमने गाजरें निकाल ली हैं सालन के लिए और हम लेके जाएंगे इसके घर। माशाल्लाह से आलू भी हार्वेस्ट कर लिए, अब इसको रेडी में डाल कर लेके जाएंगे। मनीब हेल्प करवा रहा है आज, इसने काफ़ी इसने आलू निकाले थे और अब रेडी में डाल कर लेके जाएंगे। इसका साइज बेड के ऊपर बहुत अच्छा बना, पीकने का तरीका बहुत प्यारा रहा। मनीब अपनी बिल्ली को साथ लेकर घूम रहा है, अपनी प्यारी सी कैटी मानो को साथ लेकर ना जा रहा है, इधर खेल खेल रहा है इसके साथ। ये भी इसके साथ रहकर बहुत खुश रहती है मानो बिल्ली। और ये आलू बुखारे का पौधा है जिसको लूचा कहते हैं छोटा, इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग है, फल लग गया तकरीबन बन चुका है छोटा छोटा सा। इसके फ्लावर इस तरह के होते हैं, और इसका इसमें माशाल्लाह से काफ़ी फल है, बहुत ज़्यादा फल है। और ये इनार हैं, अभी ये भी फूल निकालने के करीब हैं, अभी लगेंगे इनको। माशाल्लाह ये आड़ू है देसी, इसके भी ऊपर बहार है, इनको भी लग चुके हैं आड़ू, छोटे छोटे हैं अभी माशाल्लाह से। अभी माशाल्लाह ये अमरूद भी बिल्कुल तैयार हैं तकरीबन, इनका साइज अभी डेवलप हो रहा है। माशाल्लाह से ये आड़ू जो बड़ा है फ्लोरिडा किंग, इसका साइज आड़ू का काफ़ी, इसको भी फ्रूट लगा है लेकिन कुछ कम लगे हैं, अभी छोटा है पौधा, इसको भी मज़ीद लगेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।